हेलो फ्रेंड्स होप यू आर डूइंग गुड तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिलीजन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में रिलीजन इन मिडवल इंडिया इससे पहले हमने लेक्चर्स देखे थे इन इंडिया in के दो लेक्चर्स हुए थे दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रिय दर्शना जैन लेट सी राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स इन द मिडवल एज नाउ अगर हम रिलीजियस मूवमेंट्स की बात करें मिडवेल पीरियड में तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एक है इस्लाम एक है सूफी मोमेंट और एक है भक्ति मूवमेंट तो इस समय पे जो हाइप में चीज़ थी वो ये तीनों चीज़ थी हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे सूफी और भक्ति मूवमेंट जो थे ये दोनों मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम की एकता बनाए रखने में और रिलीजियस एक्सप्रेशन को एक नया फॉर्म देने में बहुत हेल्पफुल रहे हैं सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट सूफीज और मिस्टिक्स हु कॉल्ड फॉर लिबरलिज्म इन

एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लोगों को उनकी भाषा में पढ़ाया तो लोकल लैंग्वेज जो है उसमें लोगों से बात की उसमें इन्होंने भजन लिखे उसमें कविताएं लिखीं तो उससे जो है ये कॉमन मैन के साथ कनेक्ट हो सके सूफी और भक्ति संत नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम राइज ऑफ इस्लाम इस्लाम केम टू इंडिया एट द वेस्टर्न कोस्ट वेन अरब ट्रेडर्स वर केम इन सेवंथ सेंचुरी सी द मालाबार एंड कोंकन एंड गुजरात तो ये तीनों कोस्ट में अरब से जो लोग आते थे वहाँ उसकी वजह से एक आदान प्रदान होता था कल्चर के बीच में और फिर उसमें जो है इस्लाम भी इंडिया आया एक जुमा मॉस्क है केरला में ये माना जाता है कि इंडिया का पहला मॉस्क है इट वाज मेड बाय मलिक दिनार और मालाबार के अंदर एक मपिला नाम की कम्युनिटी थी ये फ़र्स्ट कम्युनिटी है इंडिया की जिन्होंने इम्प्रेस किया इस्लाम को हु गॉट कन्वर्टेड इन इस्लाम इस्लाम uh, जैसा कि हमें पता है फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद इट्स सॉ द राइज ऑफ मेनी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स विद इन इट खुद इस्लाम के अंदर बहुत सारे सेक्ट भी हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स हैं सेक्ट की बात करें तो दो ही सेक्ट uh, होंगे बट उसके अंदर और भी मूवमेंट्स हैं जो अलग अलग uh, जो है फिलासफी और आइडियोलॉजीज को प्रमोट uh, करते हैं तो उसमें दो मेन सेक्ट जो थे वो थे सुन्नीज एंड शियाज और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अच्छी नंबर में ये दोनों ही सेक्ट प्रेजेंट हैं तो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई तो उन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था ही डाइड विदाउट अपॉइंटिंग ए सक्सेस टू लीड द इस्लाम कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी और इसी की वजह से फिर वहाँ पर कुछ झगड़े हुए बाद में और डिस्प्यूट्स होने लगे कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ प्रोफिट मोहम्मद और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि एक नया लीडर चूज़ किया जाना चाहिए कंसेस के द्वारा और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो प्रोफिट के डिसेंडेंट्स हैं उन्हें ही जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए थ्रू दी खलीफत बिकमिंग कैलिफ तो जो टाइटल था कैलिफ का टाइटल उसे मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर माना जाता था दिस वाज पास्ड टू ट्रस्टेड एड अबुल बकर अबू बकर जो हैं वो मोहम्मद प्रोफेट के ट्रस्टेड ट्र। 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 एड थे और उन्हें वो टाइटल पास किया गया और सम थॉट इट शुड हैव गॉन टू अली अली जो थे वो प्रोफेट के कजिन थे तो कुछ लोग का मानना था कि अली को जाना चाहिए बट फिर अबू बकर के बाद उनके दो सक्सेसर आए और उनको मार दिया गया एंड देन अली को भी इसासीनेट किया गया और अली के जो दो बेटे थे हसन एंड हुसैन उन्हें भी एसासीनेट किया गया इराक़ में और फिर uh, हुसैन के असासीनेशन को ही uh, uh, जो मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम के फॉर्म में uh, वो करते हैं uh, उसका मातम मनाते हैं तो शियाज जो हैं वो अली को कंसिडर करते हैं लीडर एंड उसी को वो उसी के जो सक्सेसर थे उन्हें ही वो इमाम्स मानते हैं क्योंकि शिया बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट के डिसेंडेंट ही लीड करने चाहिए और अली वाज़ डिसेंडेंट ऑफ़ प्रॉफिट और फिर जो सुन्नीस हैं वो बिलीव करते थे कि एक लीडर होना चाहिए कंसेंसस से तो इसलिए उन्होंने अबू बकर को अपना लीडर बनाया था सुन्नी मुस्लिम्स ने सुन्नीज जो है वो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है सुन्नीज़ इन्फेसाइज गॉड्स पावर इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड समथिंग इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड पॉलिटिकल रेल्म तो वो भगवान uh, की जो पावर है मतलब अल्लाह की जो शक्तियाँ हैं उनको मटेरियल वर्ल्ड में भी uh, इन्फेसाइज करते हैं जबकि जो शिया हैं वो सेक्रीफाइस में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस ये सेक्रीफाइस में बिलीव करते हैं और ये मटेरियल uh, वर्ल्ड के अंदर इन्फेसाइज करते हैं सुन्नीस नाउ मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मुस्लिम्स आर सुन्नी और ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है शियाज जो है दे आर द माइनॉरिटी और जो सुन्नी है वो अरब वर्ल्ड के आसपास रहते हैं कुछ कंट्रीज़ एक्सक्लूसिवली टर्की पाकिस्तान इंडिया में भी ज़्यादा संख्या सुन्नीज मुस्लिम की है बांग्लादेश मलेशिया इंडोनेशिया तो ये सब कंट्रीज़ में आपको सुन्नीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे फिर ईरान इराक़ बहरेन जो है वहाँ पर लार्जली शिया कम्यूनिटी देखने को मिलती है सऊदी रॉयल जो फैमिली है वो कंजर्वेटिव सुन्नी इस्लाम की जितनी भी वो हैं श्राइन्स हैं जिसे कंजरवेटिव सुन्नी इस्लाम को वहाबिज़म भी कहा जाता है तो ये जो वहाबिज़म मूवमेंट है इनके जितने भी श्राइन्स हैं मक्का और मदीना में स्पेशली उन सब को कंट्रोल करते हैं होल्ड करते हैं और फिर कुछ श्राइन्स हैं जो शिया शियास को डेडिकेटेड हैं जैसे करबाला कुफ़ा नज़फ़ इरा इराक़ के अंदर तो ये हैं शिया के कंट्रोल में तो दिस इज द वे दोनों के अंदर सेग्रीगेशन है दो अलग अलग सेक्ट हैं और जो मेन झगड़े की जड़ है वो है प्रॉफिट की सक्सेसरशिप दैट्स इट नाउ विल सी प्रिंसिपल स्कूल्स कौन कौन से रहे इस्लाम के अंदर तो सुन्नी जो थे वो फोर प्रिंसिपल में बिलीव करते थे और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये बेस्ड ऑन है कुरान और हदीस हदीस का मतलब होता है कि जो प्रॉफ़िट ने कहा है और किया है सेम वैसा ही करना उसी ट्रेडिशन को फॉलो करना उसे हदीस कहते हैं तो हदीस जो है इसका मतलब सारा डिटेल कुरान के अंदर मिलता है और सुन्नी जो है वो स्ट्रिक्ट फॉलोवर है कुरान और हदीस के एक स्कूल है हनाफी स्कूल जो एथ सेंचुरी में जिसका कि राइज हुआ है और टर्क के अंदर तो ये भी इंडिया में आया है उसके बाद एक स्कूल आता है ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म का उसका नाम है मुतजिल मुतजिल्स जो हैं हु प्रोफेस्ड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म

उंड अबू हसल अशारी कलाम डॉक्टर uh, कहा जाता है तो एक रैशनल स्कूल है इस्लाम uh, से निकले हुए जितने भी सेक्ट हैं जितने भी मूवमेंट्स है वहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जो कुरान को जो है वो नहीं मानेगा तो कुरान जो है वो सबके लिए बेसिक uh, थिंग है नाउ uh, कुछ और स्कूल्स हैं इस्लाम के उसमें एक आता है गजली तो एक पर्सन हुए अबू हमीद गजली ही क्रेडिटेडिटेडोडॉक्टॉक्स तो इस्लाम है उसको उन्होंने लाइफ ऑफ अः सूफी संत की तरह uh, ये इन्होंने प्रोड्यूस किया चीजों को और ही सेट द पॉजिटिव नॉलेज कैनोट बिगेन बाय रीजन बट बाय द रिविलेशन तो उन्होंने कहा सिर्फ रैशनल थिंकिंग से कुछ नहीं होता है यू हैव टू डू सम समेस एंड सूफीज़ ओन देयर एलिजियंस टू दी कुरान एज मच एज द उलेमाज डिड तो उलेमा जो होते हैं दे आर लाइक जस्ट पुरोहित इन हिंदूज़म तो उसी की तरह उलेमास होते हैं उलेमाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट uh, रोल रहा है मिडिवल इंडिया की पॉलिटिक्स में हम लोग uh, देखते हैं अकबर uh, के टाइम पे स्पेशली ही हैड अ टीम ऑफ उलेमाज़ रेन जो कि uh, उसको गाइड करते थे सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल डिसीजनस लेने के लिए तो गजली जो थे उनके जो आइडिया थे दे वर बिकॉज ऑफ द न्यू एजुकेशन सिस्टम सेटअप बाय द स्टेट तो उनके आइडियाज़ की वजह से मदरसा का सेटअप हुआ था उस समय पर मिडिवल इंडिया में बिकॉज ऑफ़ दी पर्सन गज़ली जिन्होंने जो स्कूल बनाया उसका नाम है गजली स्कूल नाउ द स्कॉलर्स वर फेमुलराइज विद अशरी आइडियाज़ दे वर टॉट हाउ टू रन द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्थोडॉक्स सुन्नी आइडियाज़ तो मदरसा के अंदर पॉलिटिकल चीज़ें भी सिखाई जाती थी बट uh, जो सब है वो ऑर्थोडॉक्स सुन्नीज़म के हिसाब से चलता था

क्योंकि उलेमाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था जैसे कि हिंदुइज्म में पुरोहित लोगों ने डोमिनेंस स्टार्ट किया उसी तरीके से मुस्लिम रिलीजन के अंदर उलेमाज का डोमिनेंस बढ़ा तो कुछ लोगों को लगा कि ये जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल लाइफ को डिजनरेट कर देगा एंड दिस इज अगेंस्ट द इस्लाम तो फिर उन्होंने अपना एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम सूफी है और उस सूफी मूवमेंट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो डिवोशन है भक्ति जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू आप अल्लाह के करीब पहुंच सकते हो अकॉर्डिंग टू सूफीज फिर दे टू टू लीड अ रिटायर्ड एसेटिक लाइफ हैविंग नथिंग डू विद द स्टेट तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनको स्टेट से कोई मतलब नहीं होती थी और uh, स्टेट से इनका कोई लेना देना नहीं था अगर स्टेट इनको कुछ देता भी था तो मेनी ऑफ देम हैड रिजेक्टेड द ग्रांट्स गिवन बाय द स्टेट आल्सो एंड दे देज मोर अपॉन फ्री थॉट एंड लिबरल आइडियाज क्योंकि स्टेट जो है उस टाइम की वो इन चीजों को प्रमोट कभी नहीं करेगी एंड देर फॉर दे वॉन्टेड टू कीप दैम सेल्व अवे फ्राम द पोलिटिकल लाइफ देवर अगेंस्ट द फॉर्मल वर्शिप रिजिडिटी एंड फनाटिसिज्म इन द रिलीजन सुफीज टर्न टू मेडिटेशन इन ऑर्डर टू अचीव रिलीज सेटिस्फैक्शन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेडिटेशन इन क्या एक इंपॉर्टेंट था जो योगी मुद्राएँ वगैरह होती है वो भी सुफीज्म में पाई जाती थी जस्ट लाइक हिंदुइज़म तो कुछ योगी पोस्टर्स भी सुफी संत फॉलो करते थे लाइक द भक्ति सेंट देर इंटरप्रिटेड द रिलीजन एज अ लव ऑफ गॉड तो जो धर्म है वो भगवान के प्रति प्रेम ही धर्म है एंड सर्विस टू द्यूमैनिटी द सुफीज इन कोर्स ऑफ टाइम बट डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सिलसिलाज उनके जो ऑर्डर्स थे जो वो स्टैब्लिश करते थे जैस लाइक like हमने देखा था जैनिज्म में और बुद्धिज्म में संघ इस्टैब्लिश किए जाते थे उसी तरह सूफी जो है वो ऑर्डर इस्टैब्लिश करते थे इन ऑर्डर्स को कहा जाता है सिलसिला और हर एक सिलसिला का एक हेड होता था ही वॉज कॉल्ड पीर जो कि उनके गुरु होते थे दिस इज कॉल्ड गाइड जो कि गाइड होते हैं उन्हें पीर कहते थे और उनको और ख्वाजा और शेख के नाम से भी बुलाया जाता था द पीर एंड इज लिव्ड इन कानखा और ये जो कानखा है ये रहने की जगह होती है अबर्ड ऑफ द पीर और वहाँ पर उनके डिसपल्स और वो रहते हैं सूफीज व डिवाइडेड इन डिफरेंट सिलसिला उसके बाद धीरे धीरे और काफी सिलसिला बढ़ते गए और हर एक सिलसिला का अपना एक पीर होता है जिसे कि वो ख्वाजा और शेख कहते हैं डोमिनेटेड अ पीर डोमेटेडर और वॉली टू कैरी ऑन इज वर्की इज ऑर्गेनाइज समाज टू अराउज मिस्टिकल एक्सटेसी समा होता है मतलब म्यूजिक से जिसे हम कहते हैं समा बांध देना तो रिसाइटल ऑफ होली सॉन्ग्स उसे समा कहते हैं और ये जो है इसी के थ्रू ये अल्लाह के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं इराक में एक जगह है बसरा तो बसरा जो है वो सूफी एक्टिविटीज का इस समय सेंटर बन गया था सूफी सेंट नॉट सेटिंग अप अ न्यू रिलीजन बट were प्रिपेयरिंग अ मोर लिबरल movement विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम और वो लोग भी कुरान को उतना ही मानते थे जितना कि उलेमाज मानते हैं बट उलेमाज है वो रेडिकल इस्लाम में बिलीव करते थे मतलब कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो इस्लाम की प्रैक्टिस है नमाज पढ़ना और अल्लाह के प्रति जो उनका डेडिकेशन है वो उस फॉर्म में रहेगा और सुफ़ीज जो है वो डिवोशन टू दी लव थ्रू द म्यूजिक एंड ऑल इस तरीके से उसको इंटरप्रिट करते हैं अब हम देखते हैं इंडिया में सुफिज्म कैसे डेवलप हुआ तो एडवेंट ऑफ सुफिज इन इंडिया सेट टू बी द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरीज वन ऑफ द अर्ली सुफीज ऑफ एमिनेंस हु सेटल्ड इन इंडिया वाज अल हुई इन वन जीरो एट नाइन पॉपुलरली नोन इज दाता गंज ही वॉज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग ऑफ सुफिजम इन इंडिया इन द बिगिनिंग मेन सेंटर ऑफ सुफी वर मुल्तान एंड पंजाब नॉर्थ इंडिया में ये दो सेंटर हुआ करते थे उसके बाद धीरे धीरे कश्मीर बिहार बंगाल और डेक्कन तक जो है स्प्रेड uh, हो गया सुफीजम हेड ऑलरेडी टेकन ऑन अ डेफिनेटेड फॉर्म बिफोर कमिंग टू इंडिया तो इंडिया से पहले ही उनके प्रिंसिपल वगैरह सब स्टैब्लिश हो चुके थे सुफीज जो है इंडिया में आए अफगानिस्तान के रास्ते से और उनका इंफेसिस जब इंडिया में आए उस समय रहा प्योर लाइफ पे डिवोशनल लव पे सर्विस टू ह्यूमैनिटी और ये सारे जो फैक्टर हैं और इनको है इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जा, किया जाता था इसलिए सूफी संत जो है उनके लिए इंडिया में अपने आप को फ्लिश करना बहुत आसान हुआ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग दियर मूवमेंट अबू फसल एक राइटर हुए हैं उन्होंने आईने अकबरी नाम की किताब लिखी है उसके अंदर उन्होंने सूफी के फोर्टीन सिलसिला के बारे में बताया है और ये जो सिलसिला है ये दो तरीके के होते थे एक बाशरा एंड बेशरा बाशरा का मतलब होता है जो शरिया को फॉलो करता है और बेशरा मतलब समवन हु ड फॉलो शरिया अब फॉलो नहीं करने का मतलब है कि वो कर भी सकते हैं पर वो बाउंडेड नहीं है शरिया से तो जरूरी नहीं है कि वो करेंगे ऐसा तो कलंदर्स एक होते हैं ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि शरिया से बाउंडेड नहीं रहा नाउ इंडिया में कौन कौन से सिलसिला जो है वो प्रोमिनेंट रहे तो उसमें नंबर वन है चिश्ती सिलसिला चिश्ती सिलसिला फाउंड किया गया था ख्वाजा चिश्ती नाम का एक गांव है हैरत के पास में वहां पर इंडिया में ये फाउंड किया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हु केम टू इंडिया अराउंड 1192 ही मेड अजमेर द मेन सेंटर ऑफ इस टीचिंग अभी भी अजमेर में जो दरगाह है वर्ल्ड फेमस दरगाह है दिस दरगाह बिलोंग्स टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही बिलीव्ड सर्विंग मैन काइंड वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन और उनकी डेथ होगी गई बारह में और ड्यूरिंग मुगल टाइम्स अजमेर जो है वो एक पिलग्रिम सेंटर बना बिकॉज ऑफ द टॉम्ब ऑफ दिस शेख

एक और हुए हैं पॉपुलराइज द चिश्ती सिलसिला इन मॉडर्न हरियाणा एंड पंजाब और इन्हीं का नाम था बाबा फरीद शेख फरीदुद्दीन अजोदान ऑफ अजोदान जो थे इनका नाम था बाबा फरीद और ये हिंदू और मुस्लिम में इक्वली पॉपुलर थे इनकी जो वर्सेस हैं वो पंजाबी में मिलेगी और आदि ग्रंथ के अंदर भी इनकी वर्सेस का जिक्र है आदि ग्रंथ इज़ द होली बुक ऑफ सिख बाबा फरीद जो थे उनके फेमस एक थे शेख निजामुद्दीन औलिया रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द चिश्ती सिलसिला अकबर इनके फॉलोवर थे और इन्होंने प्रिफर किया कि अपने आप को स्टेट से दूर रखेंगे दिल्ली जैसी जगह में रहकर भी प्रिफर्ड की वी विल पॉलिटिकल पोलिटिकल उनके लिए रिनंसिएशन का मतलब होता है लोगों को रोटी कपड़ा और मकान अवेलेबल कराना मतलब पुअर्स को एम्स देना वाज़ महमूद हीस चिरागे दिल्ली इनको चिरागे दिल्ली कहा जाता है और ही मूव्ड आउट टूवर्ड्स ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया टू स्प्रेड द सूफी फिलोसफी

तो उस समय एक टर्किश गवर्नर हुआ करते थे कब्चा उनके अगेंस्ट इल्तुतमिश का जो झगड़ा था उसको भी इन्होंने फेवर किया था ओवरऑल ये चीज़ है कि ये स्टेट के अंदर इन्वॉल्व होते थे जबकि चिश्ती सिलसिला के लोग नहीं होते थे तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों सिलसिलास में इट वॉज़ फॉर्मली स्टैब्लिश्ड इन पंजाब एंड सिंध और उसके बाद बहुत सारे सिलसिले आए हैं फिरदवासी शत्तारी कादिरी नक्शबंदी बट इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए सोरावर्दी और उससे भी ज़्यादा चिश्ती सिलसिला इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं नाउ विल सी भक्ति मूवमेंट तो भक्ति मूवमेंट की जब बात आती है सबसे पहले हमें तमिलनाडु की बात करनी होती है क्योंकि वहीं से इसका जन्म हुआ है तो दो तरीके के संत होते थे तमिलनाडु में एक होते थे नायनार जो कि शिव की, की पूजा करते थे एक होते थे अलवर जो कि विष्णु की, की पूजा करते थे दे लुकड अपॉन रिलीजन नॉट एज अ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप बट एज अ लविंग बॉन्ड बेस्ड अपॉन लव बिटवीन वॉर्शिप एंड द वॉशिपर तो जो पुजारी है जो पूजा कर रहा है और जो भगवान जिसकी पूजा की जा रही है उन दोनों के बीच का रिलेशन ही जो है वो वॉशिप है अकॉर्डिंग टू भक्ति मूवमेंट पीपल जैसा मैंने पहले बताया इन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखा लोगों के साथ कनेक्ट हुए संस्कृत जो है उसके वर्ड्स को और उसके वर्क को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे लोग हैं जैसे ज्ञान देव हैं मराठी में कबीर सुदास तुलसीदास हिंदी में शंकर देव असामी में चैतन्य और चंडीदास जो है बंगाली में उस तरीके से मीराबाई हिंदी और राजस्थानी में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस कश्मीरी है गुजराती है बहुत सारी लैंग्वेजेस में भक्ति मूवमेंट के संतों ने संस्कृत वर्क को ट्रांसलेट किया तो भक्ति संत फेमस कौन कौन से थे सबसे नंबर वन उसमें नाम आता है रामानुज का इलेवंथ और ट्वेल्थ सेंचुरी के ये संत हैं ही प्रीच्ड यूनिटी ऑफ गॉड अंडर द नेम ऑफ विष्णु इन सदर्न इंडिया इसमें से मैक्सिमम जो है वो वैष्णव के ही फॉलोवर्स हैं ही प्रोक्लेम द लव ऑफ गॉड

चैतन्य महाप्रभु हुए हैं जिन्होंने ईस्ट में आ, फ्लरिश किया है चैतन्य प्रीज इन बंगाल एंड रिलीजन ऑफ वन गॉड अंडर द नेम ऑफ विष्णु ही टू इनवाइटेड मुस्लिम्स टू ज्वाइन सेक्ट ये एक, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुस्लिम्स को भी वो इनवाइट करते थे बट इस फॉलोइंग वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली हिंदू नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बंगाल एक्सेप्ट द हायर कास्ट आर वर्चुअली वैष्णवाज एट द प्रेजेंट तो आज भी वहाँ पे वैष्णविज्म का जोर है बिकॉज ऑफ स्टार्ट इन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु खुद लोअर कास्ट से थे और इनके जो फॉलोअर्स थे वो भी मैक्सिमम जो है वो लोअर कास्ट के पीपल ही रहा करते थे देन दो इंपॉर्टेंट संत जो है नॉर्थ इंडिया में कबीर और नानक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट के अंदर कबीर जो है वो रामानंद के डिसाइपल थे जैसा हमने देखा रामानंद भक्ति मूवमेंट को जो है नॉर्थ में लेके आए कबीर इनके शिष्य थे followed the same path, ही फॉलोड द सेम पाथ वही एक भगवान की बात करना कबीर ने निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया मतलब भगवान का कोई रूप नहीं माना तो उन्होंने कहा जो सारे नाम है हरि, गोविंद ये सारे नाम जो हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं एक ही भगवान की तरफ एक ही भगवान है और कबीर की जो टीचिंग्स हैं उसको भी आदि ग्रंथ में इन्वॉल्व किया गया जो कि सिखों का इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है कबीर की जो टीचिंग है उसे कबीर चौरा कहा जाता है और वाराणसी में इन्हें प्रिजर्व किया गया है दोहे के फॉर्म में कबीर अपनी बातों को कहते थे बड़ा कटाक्ष रूप से उसे प्रेजेंट करते थे और कबीर ने जो है हिंदू मुस्लिम सबको क्रिटिसाइज किया है सबको प्रेज भी किया है तो कबीर ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम थे इसलिए इनके फॉलोवर्स भी दोनों रिलीजन में पाए जाते हैं तो सिखिज्म ने भी कबीर को इसीलिए माना क्योंकि मोर ओवर सिक्युलर कैरेक्टर रहा है कबीर का नानक जो थे तालवंडी में इनका जन्म हुआ 1469 में हिंदू एंड मुस्लिम्स इन द वर्शिप ऑफ वन नानक के भी फॉलोअर आपको दोनों जगह मिलेंगे स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे नानक बहुत छोटी उम्र से और इनके जो डिसेपल्स थे उन्होंने अपने आप को सिख कहा देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई रिलीजन शुरू करने की ऐसी कोई मंशा नानक की नहीं थी

वर्ड्स होते हैं उसे वाणी कहा जाता है नानक वाणी गुरुवाणी जिसे कहते हैं सिख लोग तो वाणी अलोंग विद दोन ब्रॉट टूगेदर इन द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ दिख नाव भक्ति संत जो है कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति संत है उनमें से एक है दादू दयाल तो दादू दयाल जो हैं वो एक वीवर थे अहमदाबाद के हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस मूवमेंट ही वॉज अ काबलर बाई कास्ट ये भी लोअर कास्ट से थे ही विजिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड बिकेम सेंट इन इज टीचिंग दादू लेट स्ट्रेस अपॉन द प्रमोशन ऑफ लव यूनियन सेंटीमेंट्स ऑफ ब्रदरवुड एंड टॉलरेशन अमंग द पीपल ऑफ़ वेरियस फेथ्स म्यूजिक पे भी दादू दयाल ने काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया है और दादू वाज़ अपोज़ टू आइडल वर्शिप कास्ट डिस्टिंक्शन थ्योरी ऑफ अवतार इवन दिस इज इंपॉर्टेंट जनरली हिंदू संत हमको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जो अवतारिज्म को uh, वो करें रिजेक्ट करें अवतारिज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं रिजेक्ट किया है तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हु आज द हिंदू भक्ति संत

भक्ति मूवमेंट का ही एक सेक्ट है इसी का एक रूप है तो कुछ जो ऐसे भक्ति मूवमेंट के संत हुए जो निरंकार भगवान को नहीं मानते थे उनके हिसाब से भगवान को किसी का आकार तो लेना पड़ेगा तो फिर उन्होंने इस वैष्णवाइट मूवमेंट को स्टार्ट किया इस वैष्णवाइट मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट सेंटर थे एक थे राम और एक थे कृष्ण तो राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं तो दोनों की वर्षिप को विष्णु की वर्षिप इन सेंस ने माना इट्स मेन एक्सपोनेट व सूरदास मीराबाई तुलसीदास एंड चैतन्य महाप्रभु देर थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री सॉन्ग डांस एंड कीर्तन उसमें uh, सबसे पहले आते हैं सूरदास तो जो है वो कृष्ण के भक्त थे

द लव फॉर कृष्ण वॉज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड थ्रू दॉन्ग ऑफ मीराबाई मीराबाई के भी गीत में कृष्ण भगवान का ही जिक्र मिलता है और विनो शी वॉजोवर वन और उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था और उनकी पोएम्स में जो है आज इतनी क्वालिटी है कि आज भी उनकी पोएम जो है वो भजन के रूप में बहुत फेमस है द वैश्नवाइज मूवमेंट्स स्प्रेड इन द ईस्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऑलरेडी देखा है वर्शिप ऑफ राम वॉज पॉपुलर्स बाई द सेंट लाइक रामानंद तो रामानंद ने भी राम की पूजा को जो है वो पॉपुलराइज किया फिर ही कंसिडर्ड राम सुप्रीम गॉड एंड वुमेन एंड आउटकास्ट जो थे उनको वेलकम किया फिर राम के एक बहुत बड़े भक्त हुए तुलसीदास तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखी राम का पूरा चरित्र जो है इसके अंदर रामचरित मानस में है दोहों के द्वारा चौपाइया और दोहे लिखते थे तुलसीदास जी ही मेक्स एन एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजियस डिवोशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर तुलसीदास अ ह्यूमैनिस्ट एंड यूनिवर्सलिस्ट एंड स्ट्रेस अपॉन द नॉलेज डिवोशन वर्शिप एंड मेडिटेशन and he stressed on bhakti the poetry dignity of valmiki's ramayan with the devotional favor fervor and humanism of bhagavata ram was a personal and supreme god for him to wo ram ko apna personal god mante the and uh, उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य जो थे वो भी एक वैष्णव संत थे साउथ के और जैसे कि आपने अभी देखा था इनके डिसाइपल uh, थे कौन थे सूरदास देन वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो ही हेल्ड फ्रॉम अ तेलुगु ब्राह्मण फैमिली ही गेन ग्रेट पॉपुलरिटी फॉर इस टैलेंट स्कॉलरशिप डीप नॉलेज ऑफ फिलोसफी काफी फिलोसफिकल बातें जो है वल्लभाचार्य के भजनों में भी हमको जानने को मिलती है वहां से इंटरप्रिट होती है और ये भी श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे और उन्होंने जो है रोट कॉमेंट्रीज ऑन ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने कॉमेंट्रीज लिखी जैमिनी सूत्र के ऊपर लिखी अनुभाष्य और तत्वावत दीप ये सारे जो भी बुक्स हैं इनके ऊपर इन्होंने कॉमेंट्रीज लिखी है और उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स किए हैं ही एडवोकेट सिस्टम ऑफ प्योर नॉन ड्यूअलिज्मिवाइड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ माया तो नॉन ड्यूअलिज्म जो उस समय जो है अद्वैतवाद की बात चल रही थी तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को वल्लभाचार्य ने सपोर्ट किया वल्लभ ग्लोरीफाइड द इंटेंस लव ऑफ राधा एंड कृष्णा और राधा कृष्णा के लव को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया और राधा कृष्ण के बहुत सारे जो हैं भजन वगैरह वल्लभाचार्य ने लिखे हैं फिर वैष्णवाइट मूवमेंट में आगे चलते हैं एक निम्बर्क करके संत हुए हैं ही वॉज यंगर कंटेप्रेरी ऑफ रामानुज जो हमने देखा था कि साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट करने वाले रामानुज थे उनके कंटेम्प्ररी रहे निम्बर्क हु रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट ही रोड वेदांत परिजात सौरभा अ कॉमेंट्री ऑन द ब्रह्म सूत्र इन सिंपल लैंग्वेज तो वही एक जो संस्कृत के शास्त्र है संस्कृत के सूत्र है उनको ट्रांसलेट करके सिंपल लैंग्वेजेस में लिखना शुरू कर दिया था इन संतों ने

जो निम्बर ने वो किया है प्रोपाउंड किया है माधव एक हुए हैं माधवाचार्य इनका पूरा नाम था ही वॉज अनादर डिवोटी ऑफ विष्णु ये भी साउथ इंडिया से थे ही टुक मोनास्टिक लाइफ मैनी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड इन्होंने भी कमेंट्रीज uh, लिखी है ब्रह्मसूत्र के ऊपर एंड ऑन द ओपनिंग पैसेज ऑफ द रिगवेद ऑल्सो टेन फिलोसोफिकल उपनिषद काफी भगवत गीता इनफैक्ट गीता के ऊपर भी तो काफी सारी चीज़ों के ऊपर कॉमेंट्रीज लिखी गई और उनको सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई ही ऑल्सो रोट एक्सपोजिशंस ऑफ महाभारत एंड भागवता ने लिटरेचर के ऊपर उनका वर्क जो है क्वालिफाइड मोनिजाइज द डॉक्ट्रीन ऑफ डिटी बेस्ड अपॉन द भागवत पुराण भागवत पुराण में मानते थे और उसमें जिस ड्युअलिटी की बात की गई है उसमें माधव बिलीव करते थे फिर हम बात करते हैं इन भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या रही इंपॉर्टेंस क्या रही इस एज में तो भक्ति मूवमेंट वॉज अ सोशल रिलीजियस मूवमेंट दैट अ पोस्ट रिलीजियस बाई गॉड एंड रिलीजियस रिजिडिटीज इम्फोसाइज गुड कैरेक्टर एंड प्योर थिंकिंग

इनका इम्पैक्ट जो है मॉडर्न इंडिया तक इनफैक्ट कि आज के भी टाइम अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें वहाँ भी इन मोमेंट्स का आपको जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है द सूफी थ्योरी ऑफ वहादत अल वजूद यूनिटी ऑफ बींग वॉज रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदू उपनिषद तो इन दोनों की जो सिमिलरिटी है हिंदू उपनिषदों की और सूफी थ्योरी की इनको भी हाईलाइट इन संतों ने किया ताकि जो है लोग आपस में एक दूसरे को Uh, वो ना करने लगे अलग न मानने लगे और इस कॉन्सेप्ट okay. को समझें कि वी आर एक्चुअली वन वी आर यूनाइटेड मेनी सूफी पोएट्स सेंट्स प्रिफर टू तो यूज हिंदी टर्म्स राधर देन पर्शियन वर्सेज टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट लाइक मलिक मोहम्मद जैसी मलिक मोहम्मद जैसी बड़े फेमस uh, कवि हुए हैं इस समय के और इन्होंने हिंदी में अपना काम किया जबकि सूफी संत थे फिर भी प्रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं किया ताकि कॉमन मैन तक पहुंच सके द यूज ऑफ टर्म्स लाइक कृष्णा राधा गोपी जमुना गंगा ये सारी टर्म्स जो हैं लिटरेचर में इतनी कॉमन हो गई थी कि जो इस्लामिक राइटिंग थी उसमें भी आपको इन सब का जो है अंश देखने को मिलेगा द पॉपुलर वर्सेज एंड सॉन्ग्स ऑफ भत्तीसेंट ऑल्सो एज फोर रनर्स ऑफ अ म्यूजिकल रनेसा काफी ज्यादा संगीत को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया उसकी वजह से एक म्यूजिकल रनेसा इंडिया में इस टाइम पे आया बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दिस सेंट्स आप देखते हैं सिखिज्म के बारे में तो सिख जो रिलीजन है वो मोस्टली बिलोंग करते हैं पंजाब में वहाँ पर उनकी साइजेबल पॉपुलेशन है और ऑर्थोडॉक्स जो सिख हैं वो बिलीव करते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो गुरु नानक को भगवान ने बताया था हुज स्पिरिट एंटर्ड द सेकंड एंड सबसीक्वेंट गुरु स्टिल द 10थ गुरु तो जो गुरु नानक है उनकी ही स्पिरिट जो है वो दस गुरु तक फिर चलती है द सिख बेसिकली बिलीव इन फॉर्मल इज गॉड इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन काइंड एंड नीड ऑफ ए गुरु एंड द पहुल ट्रेडिशन पहल का मतलब होता है कि जब एक गुरु किसी को अपना शिष्य बना लेता है तो वो उसको कुछ ऐसा बताया जाता है कि कुछ पानी उसको देता है डिवाइन वाटर उसको देता है उसका नाम पहुल ट्रेडिशन है मतलब उसको अपना जब सिख शिष्य एक्सेप्ट कर लेता है तो ये पहल ट्रेडिशन भी सिख में बहुत कॉमन है और आपको अगर कुछ अच्छा करना है और आपको जब भी कोई गुड डीड्स आपके साथ होंगी तो उसके लिए आपको हमेशा एक गुरु की जरूरत लगेगी अकॉर्डिंग टू सिखिज्म तो सिख में जो फिफ्थ गुरु हुए हैं गुरु अर्जन देव उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है एक तो आदि ग्रंथ को शेप दिया दूसरा जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी उसको स्टैंडर्डाइज किया जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है उसी में आदि ग्रंथ लिखा गया है आदि ग्रंथ इज द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सिख गुरुज और फिर एक उन्होंने हरमंदिर साहिब जो है जो ये अकाल तख्त है यहाँ पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में इसको भी कॉन्ट्रीब्यूशन uh, जो है गुरु अर्जन देव जो थे फिफ्थ गुरु उन्होंने दिया है तो जो अकाल तख्त है वो हाईएस्ट सीट है सीट है सिखों की जहां से कि एंटायर सिख कम्युनिटी के लिए डिक्टेट इश्यू किए जाते हैं दो तो टेंथ गुरु थे गुरु गुरु गोबिंद सिंह ही क्रिएटेड खालसा खालसा का मतलब होता है प्योर तो ही ऑडियन द सिक्स टू टेक फाइव वोज उन्होंने खालसा क्रिएट करके फिर उनको कहा कि आप पांच तरीके के नियम लें एक उसमें था केश कंगा कड़ा किरपान एंड कच्छा एंड दिस फोर फाइव थिंग्स बिकम द मार्क्स ऑफ सिख लेटर ऑन और आज भी आप देखेंगे कि ये पांचों चीज़ें एक सिख uh, के पास होना जरूरी होती है ही फर्दर एडिटेड आफ्टर इज डेथ द आदि ग्रंथ विल बी द गुरु ऑफ सिख गुरु गोविंद सिंह ने ये चीज़ चलाई कि उनकी डेथ के बाद आदि ग्रंथ जो है वो गुरु हो जाएगा तो फिर जो दसवें गुरु थे वो आखिरी गुरु रहे सिखों के एंड इट म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन फीचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिक के थ्रू वो बिलीव करते हैं कि दे कैन अटेन समाधि और आफ्टर द डेथ जिसे हम कहते हैं मोक्ष अटेन करना तो वैसा कुछ आप म्यूजिक के साथ अटेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिखिज्म अब सिखों के गुरु कौन कौन से हुए थोड़े इंपॉर्टेंट गुरु के नाम देख लेते हैं तो गुरु नानक जो है जैसा हमें पता है फर्स्ट गुरु थे वो काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल किया मक्का तक बगदाद तक और फिर उनकी डेथ के बाद नाइन गुरुज़ जो और हुए तो गुरु अंगद देव एक सेकेंड गुरु थे ही क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट गुरुमुखी इन्होंने क्रिएट की थी और गुरु अर्जन देव जो थे उन्होंने उसे स्टैंडर्डाइज किया था फिर गुरु अमरदास हुए

गुरु रामदास जो हैं वो चौथे हुए और उन्होंने कुछ हाइम्स वगैरह कंपोज की और फिर उनको उनकी सेक्रेट राइटिंग्स में भी इन्वॉल्व किया गया और गुरु अर्जन देव जो थे उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हरमंदर साहिब को बनाना कि हम अमृतसर में गोल्डन टेंपल देखते हैं फिर गुरु अर्जन देव के तीन कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी देखे गुरुमुखी स्क्रिप्ट को स्टंडाइज किया था उन्होंने आदि ग्रंथ को शेप दिया और तीसरा जो अभी देख रहे हैं हरमंदर साहिब वाला और ही कंपाइल्ड द होली ग्रंथ जिसे कि आदि ग्रंथ कहा जाता है उसके बाद आए हरगोबिंद उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी और एक वो सिंबॉलिक आइडेंटिटी थी दो तलवार ऐसे क्रॉस में पहनने की तो हर गोबिंद जी, जी जो थे वो इस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं उसके बाद गुरु श्री हरि राय सेवेंथ गुरु हुए उनका ज़्यादातर लाइफ जो है वो मेडिटेशन में निकला है तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है फिर श्री हर कृष्ण जो है वो एट्थ हुए वो श्री हर राय के ही बेटे थे ही गेव इज लाइफ आई सर्विंग एंड हीलिंग द एपेडेमिक स्ट्राइक पीपल इन डेली तो डेली में उस समय एक अपेडेमिक आया हुआ था उनके लोगों की करते हुए उनकी जान चली गई थी और उसके प्लेस ब्रेथ इस लास्ट, इस वन गुरुद्वारा बंगला साहेब जो है दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है टूरिस्ट प्लेस है दिल्ली का तो ये जो है वो बना हुआ है उस जगह पर जहां पर की गुरु श्री हर कृष्ण जी ने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस रहे हैं ये है नाइन्थ गुरु When Mughal Governor of Kashmir resorted to forcible conversion of Hindus, Guru Tegh Bahadur decided to fight it out और uh, इसीलिए इस fight के लिए वो बहुत famous हैं The tenth Guru जैते Guru Gobind Singh at the time of his death invested the Guru Granth Sahib as the supreme head of the Sikh उन्होंने कहा अपनी मृत्यु के समय कि uh, मैं अपने किसी disciple को जो है Guru नहीं बना रहा हूँ Guru Granth Sahib जो है इसी को अब हम Guru declare कर देते हैं तो so, this is all about Sikhism So we have seen uh, almost uh, many things in the medieval India like rise of Islam,

ये दोनों टर्म उन्होंने गुड और बैड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की थी ही आल्सो टॉट द एथिकल डॉक्ट्रिन ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी चैरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है जोरास्ट्रन रिलीजन के अंदर दिस डॉक्ट्रींस आर इंश्राइंड इन द लिटरेचर व्हिच इज नेम इज जेंड अवस्था द जोरास्ट्रन रिलीजन स्प्रेड ओवर द होल ऑफ पर्शिया एंड रिमेंड द डोमिनेंट रिलीजन देयर जब मुस्लिम्स ने वहां पे अरब्स ने कॉन्क्वायर किया उस रिलीज रीजन को तो उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा और वो पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट हुए हैं और इंडिया में जब वो माइग्रेट होकर आए तो दे सेटल्ड इन नवसारी इन गुजरात एंड लेटर ऑन Spread to almost all the parts of India. Indian कल्चर में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ लोग हैं इंपॉर्टेंट फेमस जैसे दादा भाई नोरोजी फिर है जमशेद जी टाटा तो ये जो है पायोनियर रहे हैं इंडिया के विकास के लिए दादा भाई नोरो जी एक इकोनॉमिस्ट थे नेशनल मूवमेंट में उनका काफ़ी रोल रहा और जमशेद जी टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे इस तरीके से द पास स्टैब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक चैरिटीज़ बहुत सारे चैरिटीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं स्पेशली मुंबई में जो रास्ट्रिजम इज़ नॉट अ अटाइजिंग रिलीजन क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जनस अलाउड नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है

रास्टर्न रिलीजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई फायर तो ये एंड है होता है यहीं पर सारे रिलीजन मिटोल इंडिया के थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर सीरीज प्लीज कीप ऑन कॉमेंटिंग एंड व्यूइंग माई लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच